कहानी की शुरुआत में हम 40 साल के क्रिस्टीन को देखते हैं जो अपने बेड में एक ऐसे आदमी के साथ थी जिसको वो जानती ही नहीं। उसे वो घर भी काफी अजीब लग रही थी और जब वो बाथरूम जाती है तब वो देखती है कि वहाँ पर काफी सारे फोटोज थे जो कि उसके और उस आदमी की थी। उधर वो आदमी उठता है और कहता है कि उसका नाम बेन है और वो उसका पति है। बेन उसे बताता है कि 14 साल पहले उन दोनों की शादी हो गई थी और तकरीबन 10 साल पहले क्रिस्टी की एक कार एक्सीडेंट में मेमोरी लॉस हो गई थी। उसके मेमोरी में सिर्फ एक ही दिन की स्टोरेज रहती है और वो आज जो कुछ भी करता है वो कल भूल जाती है। और अगर आप इसको टेक्नोलॉजी में हिसाब करोगे तो क्रिस्टी की मेमोरी सिर्फ 2 GB की है और वो हर रोज फॉर्मेट हो जाती है। खैर, ये सब कुछ सुनकर क्रिस्टी काफी हैरान हो जाती है और बेन उसे सब कुछ ठीक हो जाने का दिलासा देता है। इसके बाद क्रिस्टी अपनी वेडिंग एल्बम को देखने लगता है ताकि उसे कुछ याद आ सके। इसी बीच बेन उसे बताता है कि आज उन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है और इसीलिए वो लोग बाहर घूमने जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि क्रिस्टीन की डॉक्टर नेस से इलाज चल रहा होता है जो कि एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है। यहाँ पर डॉक्टर नेस उसे एक कैमरा भी देता है ताकि वो अपने इंपॉर्टेंट चीजों को रिकॉर्ड करके रख सके। और हर रोज बेन के जाने के बाद डॉक्टर क्रिस्टीन को कॉल करके कैमरे को चेक करने के लिए कहता है और चेक करने के बाद कैमरा को वापस से उसी जगह पर छुपा देने के लिए कहता है। इसके बाद सीन यहाँ पर कट होता है और अगले ही सीन में हमें 2 हफ्ते पहले की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर नेस क्रिस्टी के साथ छुप कर मिल रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बेन को क्रिस्टी के इलाज के बारे में पता चले। यहाँ पर डॉक्टर नेस क्रिस्टी को वो कैमरा छुपा कर रखने के लिए कहता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि क्रिस्टी की कोई एक्सीडेंट नहीं हुई थी, उसके ऊपर अटैक हुआ था और वो एयरपोर्ट के पास आधी मरी हुई हालत में मिली थी। लेकिन जैसा कि बेन ने उसे बताया था कि उसकी एक्सीडेंट हुई थी, इसलिए वो बेन के ऊपर शक करने लगती है। पर बाद में वो सोचती है कि बेन ने शायद उसे इसलिए झूठ कहा था ताकि उसका दिल ना दुखे। इसके बाद एक दिन डॉक्टर नर्स के ट्रीटमेंट के दौरान क्रिस्टी को एक लाल बालों वाली लड़की नजर आता है जिसका नाम क्लेरा थी। अब घर पहुंचकर क्रिस्टी बातों बातों में बेन से क्लेरा के बारे में पूछती है जिसमें बेन उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में वो बताता है कि क्लेरा उसकी दोस्त थी। लेकिन वो क्रिस्टीन को ऐसे कंडीशन में देखकर उसे छोड़कर चली गई और उसे कॉल करना भी बंद कर दिया। पर क्रिस्टीन को बेन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो क्लेरा की फोटो को बाथरूम में चिपका कर एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि वो बेन के बातों पर भरोसा नहीं करती। अब रात में बेन बाथरूम से उन फोटोज को हटा देता है और अगली सुबह क्रिस्टी जब डॉक्टर नेस के कहने पर कैमरा को चेक करती है तभी वो देखती है कि उसके पीछे कुछ फोटोज था और अभी वो फोटोज गायब था। अब क्रिस्टी उन फोटोज को ढूंढने लगता है और कुछ ही देर ढूंढने पर उसे वो फोटोज भी मिल जाता है। इसी बीच वो एक फोटो में देखता है कि वो प्रेग्नेंट भी थी और उसका एक बेटा भी था। इसीलिए वो बेन के आने पर उससे गुस्सा होकर ये पूछती है कि उसने ये बात उससे क्यों छुपाई, जिसमें बेन उसे बताता है कि उसका बेटा 8 साल की उम्र में एक जानलेवा बीमारी से अटैक होकर मारा गया था और बेन उसे इसलिए ये बात बताना नहीं चाहता था ताकि उसे इस बात के लिए बुरा न लगे। इसके बाद बेन क्रिस्टीन को अपने बेटे की फोटोज दिखाता है जिसका नाम एडम था। अब उसी रात क्रिस्टीन सपने में एक आदमी को देखती है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था और वो दिखने में बिल्कुल डॉक्टर नेस की तरह था। इसके बाद अगले ही सीन में हम डॉक्टर नेस और क्रिस्टीन को एक वीरान जगह पर देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर नेस क्रिस्टीन को रिलैक्स कर रहा था। लेकिन तभी क्रिस्टीन डॉक्टर की नेम टैग देखकर काफी डर जाती है क्योंकि उस नेम टैग में डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था डॉक्टर माइक नेस, और माइक वही आदमी है जिसको क्रिस्टीन ने सपने में देखा था उसे मारते हुए। इसीलिए क्रिस्टीन कार से उतर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन नेस उसे पकड़ कर इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद नेस उसे घर छोड़कर आता है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि क्रिस्टीन ये सब कुछ भूल गई थी। इसके बाद अगले ही दिन डॉक्टर नेस क्रिस्टीन के पास आकर कहता है कि क्रिस्टीन के ऊपर जो हमला हुआ था उसके कुछ दिनों बाद बेन ने उसे कम्युनिटी सेंटर में रख दिया था। इसी बीच डॉक्टर क्रिस्टीन को ये भी कहता है कि बेन ने उसे तलाक भी दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर क्रिस्टीन को उसकी फ्रेंड क्लेरा की कॉन्टेक्ट नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। इधर इन सारी बातों को क्रिस्टीन समझ नहीं पा रही थी और ये सारी बातें उसके दिमाग में एक पजल की तरह घूम रही थी, जिस वजह से वो बेन के पास जाता है और उससे इसके बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि उसका बेटा मर जाने के बाद वो काफी डिप्रेशन में जा चुका था और इसीलिए उसने क्रिस्टीन को तलाक दे दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन बदल गया और वो क्रिस्टीन को तलाक देने के बाद भी अपने पास ही रख लिया। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्लेरा क्रिस्टीन को कॉल करती है और वो दोनों एक जगह पर मिलने का प्लान करते हैं। यहाँ पर क्लेरा क्रिस्टीन को कहती है कि उसके अटैक होने से पहले उसका किसी के साथ अफेयर था और क्रिस्टीन के ऊपर अटैक होने के कुछ ही दिनों बाद बेन और वो काफी क्लोज आ गए थे और उन दोनों के बीच एक बार संबंध भी हुआ था। लेकिन क्रिस्टीन और बेन की मैरिड लाइफ को ध्यान रखते हुए वो उन दोनों के लाइफ से काफी दूर चला गया और उन दोनों को कभी कॉल भी नहीं किया। यहाँ पर क्लेरा क्रिस्टीन को बेन के द्वारा लिखा गया एक लेटर भी देती है जो बेन ने ही उसे देने के लिए कहा था, और बेन ने क्लेरा को क्रिस्टीन को वो लेटर देने के लिए तभी कहा था जब वो उस लेटर को पढ़ने की लायक हो जाए। उस लेटर में बेन ने लिखा था कि वो क्रिस्टीन को बहुत प्यार करता है लेकिन उनके बेटे एडम के फ्यूचर को देखकर उसे क्रिस्टीन को छोड़ना पड़ा। इधर बेन का प्यार और देखभाल की वजह से क्रिस्टीन डिसाइड करती है कि वो बेन को वो वीडियो दिखाएगी जो उसने रिकॉर्ड किया था। इसी बीच वो बेन को अपने और डॉक्टर नेस के बारे में भी बताती है जिसको सुनकर बेन उसे थप्पड़ मार देता है और वहां से चला
जाता है। इसके बाद क्रिस्टीन क्लेरा को कॉल करके उसके और बेन के बीच हुई झगड़े के बारे में उसे बताती है, जिसको सुनकर क्लेरा उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो इस बारे में बेन से बात करेगी। अब क्लेरा क्रिस्टीन को कॉल करके कहती है कि बेन ने उसे कहा कि वो कई सालों से आउट ऑफ स्टेशन है, जिसको सुनकर वो दोनों ही काफी शॉक हो गए थे, क्योंकि बेन अगर आउट ऑफ स्टेशन है तो इतने दिनों से क्रिस्टीन के साथ कौन रह रहा है। अब क्लेरा क्रिस्टीन से बेन का हुलिया पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो बेन नहीं है। इधर ये सब कुछ जानकर क्रिस्टीन घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। इसके बाद अगले ही सीन में हम मूवी के स्टार्टिंग के सीन को देखते हैं, जहां पर क्रिस्टीन सुबह अपने खाली यादों के साथ उड़ रही होती है। इसके बाद वो बाकी दिनों की तरह ही अपने कैमरा को ढूंढती है, और कैमरा को जब वो चेक कर रही होती है तब वो एक वीडियो में देखती है कि वो बता रही होती है कि वो बेन से प्यार करता है और उसी के साथ अपनी लाइफ को बिताना चाहता है। तभी उसे बेन कॉल करता है और उसे सामान पैक करने के लिए कहता है और कहता है कि वो लोग आज रात एक ट्रिप पर जाने वाले हैं। फिर बेन हॉस्पिटल में डॉक्टर नेस से मिलने के लिए जाता है और उसे क्रिस्टीन से दूर रहने के लिए कहता है। उस रात बेन क्रिस्टीन को एयरपोर्ट के पास की ही एक होटल पर लेकर जाता है, और ये जगह वही जगह है जहाँ पर कुछ ही सालों पहले क्रिस्टीन को अधमरा पाया गया था। अब होटल के अंदर बेन क्रिस्टीन से कहता है कि वो बेन नहीं है, वो माइक है। दरअसल क्रिस्टीन की माइक के साथ अफेयर था और माइक क्रिस्टीन को शादी करना चाहता था, लेकिन जब क्रिस्टीन उससे शादी करने से मना कर दी थी तब माइक ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा था जिस वजह से उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। इधर क्रिस्टीन को भी ये सब कुछ याद आ जाती है और वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी माइक उसे पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच वापस से हाथापाई होना शुरू हो जाता है। पर इस बार क्रिस्टीन ही माइक को किसी तरीके से मार कर वहाँ से निकल जाती है और सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम क्रिस्टीन को हॉस्पिटल में एडमिट देख पाते हैं और तभी उसके पास डॉक्टर नेस आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर नेस उसे कुछ दिखाने के बारे में कहता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीन की रियल हस्बैंड बेन और उसका बेटा एडम आता है, जिसको देखकर क्रिस्टीन को अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती है। और दोस्तों यहीं पर ये कमाल की मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।